तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैप्लेरियंस वाले इन दोनों गेम्स को यानी ईवोलन को और आइसक्रीम को कनेक्ट कर सकते हैं, इसका काफ़ी सारे हिंट मिल रहे हैं, बट अभी कुछ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंट्स हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, ये गेम्स आइस स्क्रीम के चैप्टर 7 में कनेक्ट हो जाएंगे। चैप्टर 7 में इसलिए क्योंकि चैप्टर 7 आते आते सारे फ्रेंड सेव हो जाएंगे, एंड इसी के अलावा काफ़ी और लोग रॉड की फैक्ट्री में कैद हैं जिनको इन चारों को रेस्क्यू करना होगा। जैसे हमने ईवोलन के चैप्टर 1 में देखा कि लॉन्ड्री के अंदर काफ़ी सारे बच्चे थे जिनको कि बैलून से एस्केप कराया गया। बट अभी अगर आप देखोगे तो इसमें एक नया अपडेट आया है, यानी ईवोलन के चैप्टर 1 में जो नया अपडेट आया है उसकी एंडिंग में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो रॉड का क्रोकोडाइल है वो ईवोलन के सीवर में कैसे आ गया। मतलब अगर हम गेम के हिसाब से देखें तो ईवोलन के सीवर में आना उसका कैसे पॉसिबल हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस इलाके से ये क्रोकोडाइल हमको एंड में लेके जाता है वो इलाका सेम वैसा ही दिखता है जैसा रॉड की फैक्ट्री के बाहर का एरिया है। तो रॉड की फैक्ट्री के बाहर का एरिया एंड ये ईवोलन की एंडिंग वाला एरिया, ये दोनों लगभग सेम है दिखने में। तो ऐसा हो सकता है कि रॉड जब इस बच्चे को, यानी जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है जो कि सब कुछ करता है इसे छुड़ाने के लिए, जिसको एज अ प्लेयर हम लोग खेलते हैं, वो यहाँ से एस्केप करता है, ठीक है, और अकेला इस राफ्ट में बैठ के कहीं चला जाता है। एंड अब वो कहाँ पर जाता है सोचो। तो हो सकता है कि वो जब यहाँ से जाएगा उससे आगे का सीन हमको ईवोलन के या फिर आइसक्रीम के एक नए अपडेट में दिखाया जाए। ये बच्चा यहाँ से राफ्ट का यूज करके रॉड की फैक्ट्री तक पहुंचेगा, एंड देन ये सारे बच्चे मिलके ईवोलन और रॉड दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मतलब भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया उस टाइप का, बट हाँ यार हो सकता है ना। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है। आप लोग कमेंट में बताओ कि क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, यस और नो। बाकी तब तक के लिए आप लोग मेरे प्लीज गेम प्ले जरूर देख लेना। मैंने ईवोलन के गेम प्ले काफी सारे रिकॉर्ड करे हैं एंड काफी सारे और करने हैं मुझे रिकॉर्ड, और मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मेन चैनल बहुत ज्यादा डेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।